स्टेशन पर बीमार बच्चे को पानी पिला रही थी माँ, तभी एक व्यक्ति ने आकर बच्चे और माँ को पीटा, बच्चे की मौत। दमोह रेलवे स्टेशन पर एक ढाई माह के बच्चे की हत्या हो गई है। हत्या को अंजाम देने वाला युवक अज्ञात है। घटना शनिवार की है। जीआरपी पुलिस पर आरोपी को भगाने और पीड़ित की मदद न करने के आरोप लग रहे हैं। दमोह जिले के मर्यादो क्षेत्र के घोघरा गांव का एक परिवार शनिवार सुबह गोंडवाना एक्सप्रेस से दिल्ली से दमोह पहुंचा था। उनके ढाई माह के बेटे शुभम की तबीयत खराब थी, इसलिए इलाज करवाने के लिए वो दमोह स्टेशन पर रुक गए ताकि सुबह होने पर दमोह में उसका इलाज कर सके। स्टेशन पर मासूम शुभम की माँ रामसखी आदिवासी अपने बेटे को पानी पिलाने लगी और उसका पति लेखराम आदिवासी अपने छोटे भाई से फोन पर बात करने लगा। तभी अचानक काला कुर्ता और केसरिया धोती पहने एक युवक महिला के पास पहुंचा और उसने मासूम को पीटना शुरू कर दिया। माँ हड़बड़ाहट में विरोध करने लगी तो उसने महिला को भी पीटा। पास में फोन पर बात कर रहा पति बचाने पहुंचा तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी और वहां से भाग गया। माता पिता ने देखा तो शुभम की सांस थम चुकी थी। मासूम की माँ रामसखी ने बताया कि उसे नहीं पता आरोपी कौन था, मैं बेटे को पानी पिला रही थी तभी अचानक वो आया और उसे पीटना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि मौजूद पुलिस कर्मियों से मदद मांगी लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। मासूम के पिता लेखराम ने बताया कि घटना के समय वहाँ रेल पुलिसकर्मी मौजूद थे, मैंने उनसे मदद मांगी तो वो गालियां देने लगे, उनके सामने ही आरोपी भागा। पुलिस वो पुलिसकर्मी कह रहा था कि तुम्हारा बेटा मर गया है, उसे लेकर जाओ। इसके बाद मैंने 100 नंबर डायल किया तब पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद रेल पुलिस ने सुनवाई की। इस मामले में जीआरपी चौकी प्रभारी एएसआई महेश कोरी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पहचान की गई है। जीआरपी पुलिस कर्मियों पर लग रहे आरोप पर उन्होंने चुप्पी साध ली। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। स्टेशन में उतरे तो हमने वहाँ पे बैठे मैन गेट पर, पानी पिला रहे थे बच्चा को, गला सूख गया था तो पता नहीं किसने आया, हम पानी पिला रहे तो अचानक उसने मारा है, हमको मारा है, हमारे पति को मारा है। जब बच्चे को वो मार रहे थे आपके पति देव कहाँ थे? हमारा पति यहाँ थोड़ी दूर बैठा था तो बोल रहा थे कि क्यों मार रहा है, उसे को मारने लगा है, फिर वो भाग गया है, फिर न्यूज मिला। आप लोगों ने किसी से मदद मांगी? हाँ, एजेंट से मांगी तो पता नहीं हमारे पति का की मांगी थी। बच्चे के साथ क्या किया उसने? बच्चे के साथ उसने मारा है, खत्म हो गया। काई से मारा है? हाँ, तो मारा है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, उसने हाथ मारा तो बच्चे खत्म हो गया। कितने बजे की घटना है? वही है 5-6 बजे की, 5-1 बजे से 6 बजे। जानती हो उसको? जानती नहीं सर, जानती किसने चाहिए। कोई पूर्व में बात विवाद या घर परिवार में कोई? नहीं। बच्चे का नाम क्या है, कितने महीने का है? शुभम। कितने महीने का है? 2.5 महीने। पूरी घटना बताओ शुरू से। शुरू से घटना में आया दिल्ली से, बच्चे की तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए आ रहा था घरे आ रहा था, दिल्ली से घरे आ रहा था, सो यहाँ आ गया, दमोरी आया, दमोरी में तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई इसकी, मैंने सोचा कि यहीं इलाज करा लूँ इसका। इसका सूख रहा था बच्चे का गला, से मैंने उसको पिवाया पानी, यहीं बैठा रखे मैंने पिवाया पानी, फिर मैंने सोचा कि फोन लगा लूँ छोटा भाई से कि बता दूँ कि मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया उसको, कहीं भर्ती कर लेता हूँ। फिर इतने में सोचा कि मैंने ऐसा दूर लगाया मैंने फ़ोन, इतने में कोई आदमी आया, छोटे से बच्चे को मारने लगा, 3-4 लपाड़ा उसको मारा और उसको भी, मेरी बीवी को भी मारा, मैं बचाने का मेरे को भी मारा, मेरे को कुछ मारने नहीं मिला, जब मैं उठाया ईंट में जल भाग गया और वो वहाँ सब पुलिस वाले खड़े थे, उनसे बोला मैंने सर जी मार रहे हैं, तो सर जी कुछ नहीं बोल रहा, सर जी जा बच्चा मर गया तो क्या घर ले जाते, ये बोले सर जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर कह लगे, फिर मैंने सोनम्बल लगाया फोन, सोनम्बल वाले आए और उन्होंने कॉल की, उन्होंने बोला कि बात कराओ सर से। जिस पुलिस वाले से आपने बोला कि उसने मेरे बच्चे को मारा, वो कहाँ? यहीं था, वर्दी में था? हाँ, यहीं था। क्या बोल रहा था? आपने क्या बताया उसको? सर वही गाड़ी पत्र पत्र लड़का टकला, मैंने बोला सर वो बच्चे को मार रहा है मेरे को, कोई आइए सर तो बता देना, मेरे को बच्चा खत्म हो गया, मैं क्या बताऊँ। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को क्या हुआ? फिर बच्चे को मार दिया, वो खत्म हो गया, तबीयत तो वैसी गड़बड़ थी, बच्चे को इलाज कराने के लिए आया तभी वहाँ से बाहर से। मारा किसने?
एक आदमी मार गया और पता नहीं कैमरा में कहाँ गया। कौन है पहचानते? हाँ नहीं मैं पहचानता नहीं उसको। कोई विवाद वगैरह हुआ था? नहीं कुछ नहीं, मैं तो पहचानता नहीं उसको। कहाँ है आदमी? कौन कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। बढ़िया तो क्या नाम लिखते हो? कितने बजे की घटना है सुबह? सुबह 5 बजे। अभी कितना समय हो गया? बस आती है ना दिल्ली से। अभी 7:35 हो गए, तो अभी आपके साथ कुछ पुलिस वगैरह ने सहयोग किया है? बच्चे को कहीं दिखाया क्या है? नहीं कुछ कुछ नहीं किया। आज दिनांक 8/6/24 को सुबह ट्रेन गोड़वाना एक्सप्रेस नियामुद्दीन दमोह आई थी, उससे यात्री लेखराम पिता हरप्रसाद आदिवासी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम घोघरा थाना मड़िया दो जिला दमोह के अपनी पत्नी राम सखी तथा पुत्र जो 2.5 माह का है शिवम आदिवासी के साथ दमो स्टेशन पर उतरे थे। मेन गेट के पास अपने बच्चे को पानी पिला रही थी। बच्चा पूर्व से बीमार था। बच्चे को अचानक एक व्यक्ति ने आकर हाथापाई की, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में आरोपी की तलाश एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, जीआरपी और आरपीएफ के दोनों मतलब चौकियों के बीच की घटना है करीब 50 कदम की, और इस प्रकार की घटना सामने आती है। सर, रेलवे स्टेशन दमो पर 24 घंटे ट्रेनें आती जाती हैं, हर वक्त पुलिस उपलब्ध रहती है, और बल की कमी होने के कारण एक आरक्षक ड्यूटी पर था जो प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन को अटेंड कर रहा था, उसी समय की घटना है। आरोपी की पहचान हो पाई है सर? सीसीटीवी भी सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए, जिसमें एक व्यक्ति जो काले रंग का कुर्ता एवं केसरिया रंग की धोती पहना हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। सर, पीड़ित का आरोप है कि उसने जो सुरक्षाकर्मी मौजूद था उससे बार बार मदद मांगने की कोशिश की, बजाय मदद करने के उल्टा सुरक्षाकर्मी उसको गाली दे रहे हैं, ऐसा आरोप है पीड़ित का? नहीं, ऐसा तो संज्ञान में नहीं। पीड़ित ने बताया है कि वो गाली दे रहा जब उसने घटना की थी। सर, 5 बजे की घटना, सर 8 बजे इसमें संज्ञान लिया जा रहा है, एक लंबा वक्त स्टेशन पर दूर सुरक्षा चौकियों की पूछताछ की जा रही है। तत्काल कार्रवाई के लिए बुलाया गया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, इसके अलावा सिटी क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और फरियादी से पूछताछ कर बयान लेकर कार्रवाई की जा रही है। सर, स्टेशन में लगातार विवाद होते हैं और आज छोटे से विवाद हत्या में तब्दील हो गए हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.